Hello, this is Rawa Gajmal, height 5 feet 9. I am from Mumbai. Thank you. तो आप जानना चाहते हो कि वहाँ सब कुछ कैसा था? ठीक है, बताता हूँ मैं, शायद अब मैं अपने अतीत का सामना कर सकूँ। कंदार, मेरे जीवन का सबसे मुश्किल वक्त था। कभी भी बम फटते थे, गोलियां चारों तरफ से चलती थी, रोते चिल्लाते लोग जिनकी हम भाषा भी समझ नहीं सकते थे, अक्सर बेबस इधर उधर दौड़ रहे होते थे। एक दिन एक शहर को हम तहस नहस करके वहां से गुजर रहे थे, तभी एक 4 साल की बच्ची, काली बड़ी बड़ी आंखों वाली, इतनी प्यारी कि देखे तो देखते रह जाए, बमबारी ने जो खंडर बनाए थे उस पे खड़ी थी, अकेली असहाय। उसे पता नहीं था कि क्या करना है, रोना है, भागना है, चीखना है या चिल्लाना है। उस नन्ही परी के पास गया, घुटने टेक कर उसकी गहरी आंखों की ओर देखा और कहा, हाय, मैं वरुण हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जब तक जिंदा हूं नहीं भूलूंगा कि एक अकेला आंसू उसके आंखों से टपक कर गालों को भिगा गया। उसने तुरंत अपने छोटे छोटे हाथ मेरे छाती पे डाल दिए। मुझे एहसास हुआ वो अपने नन्हे हाथों से मुझे जोर से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त वो जो महसूस कर रही थी, वो एहसास मेरे सीने से लिपट गया था। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दर्द को साफ महसूस कर रहा था। एक 4 साल की बच्ची अपने आँखों के सामने तबाह हो गई, और उस तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं था। जिस वक्त वो मेरे गले लगी थी, उस वक्त मैंने नीचे जमीन पर देखा, मलबे में एक हाथ दबा हुआ था। मुझे समझ आ गया, वो हाथ उस बच्ची की माँ का था, और इसलिए उस जगह से हिल नहीं रही थी। तत्परता और बेबसी के उस मंजर ने मुझे बीमार कर दिया। हम युद्ध में ये सोचकर लड़ने जाते हैं कि मानवता की भलाई के लिए लड़ेंगे, लेकिन जब अपने बाहों में एक छोटा डरा हुआ बच्चा पकड़े दुनिया को उसकी नज़र से देखते हैं, तो दुनिया, देश, सब कुछ बेमतलब हो जाता है। हम सोचने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, हर चीज पर सवाल करने लगते हैं। दिमाग सवालों के भंवर में तब्दील हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम पागल हो गए हैं। सही क्या है, क्या गलत है, क्या भगवान भी यही चाहता है या भगवान है भी?